दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में। आज है 14 जुलाई 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले अपडेट देखिए, यहाँ पर PCS 2022 प्रीलिम्स कट ऑफ को लेकर के लिखा कि अनारक्षित से अधिक OBC EWS के कट ऑफ अंक। PCS 2022 की प्रारंभिक परीक्षा के एग्जीक्यूटिव ग्रुप में अनारक्षित श्रेणी के मुकाबले EWS और OBC श्रेणी के कट ऑफ अंक अधिक रहे हैं। UPSC की तरफ से कल कट ऑफ जारी की गई, तो इसमें ये सारी चीज़ें निकल के सामने आई हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के प्राप्तांक भी जारी कर दिए गए हैं। जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे वे अपने प्राप्तांक और कट ऑफ चेकआउट कर सकते हैं। तो PCS 2022 के लिए जितने भी पद थे उसके हिसाब से कैटेगरी वाइज और पदवार कट ऑफ जारी कर दी गई। इसका डिटेल्ड वीडियो कल ही हमने बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। इसकी PDF आपको मैं टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। बात करते हैं पॉलिटेक्निक के लिए, तो पॉलिटेक्निक प्रवेश के लिए आज भी आवेदन। प्रदेश में राजकीय एडेड व निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए 2 दिन और आवेदन का मौका दिया गया है। शासन ने 13 और 14 जुलाई को ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी 14 जुलाई की रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन आवेदन के अलावा प्रवेश को किसी और माध्यम से आवेदन नहीं लिए जाएंगे। पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लगभग 2 महीने से आवेदन प्रक्रिया चल रही थी। इस दौरान 2.25 लाख सीटों के सापेक्ष में 3.25 लाख आवेदन हुए हैं। अब 26 जुलाई से प्रवेश परीक्षा के आयोजन की डेट जारी की गई है। वहीं 16 जुलाई से प्रवेश पत्र भी जारी होने हैं। इस बीच शासन ने 2 दिन फिर से आवेदन की तिथि बढ़ा दी है, तो आज तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। 16 जुलाई से आपके एडमिट कार्ड शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं UP SSC के 2 अपडेट के बारे में। तो पहली अपडेट यहाँ पर है वीडियो परीक्षा के उत्तर कुंजी के बारे में। UP SSC ने 26 और 27 जून को पूरे प्रदेश में हुई ग्राम पंचायत अधिकारी की जो भर्ती परीक्षा थी उसकी उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी आप लोग governmentjobcenter.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी अपडेट यहाँ पर है जूनियर असिस्टेंट भर्ती को लेकर के। पेट 2021 के आधार पर 2022 में 1262 पदों पर जूनियर असिस्टेंट की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, तो यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जो कट ऑफ है वो जारी कर दी गई है। जो अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो अपना नाम चेकआउट कर सकते हैं कट ऑफ के बेस पर कि हाँ आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं। अब जितने भी अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट किए गए ये मुख्य परीक्षा के लिए जाएंगे। अगली अपडेट यहाँ पर है CUET रिजल्ट को लेकर के, जिसमें बताया गया 17 जुलाई तक घोषित होंगे नतीजे। स्नातक में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET UG के नतीजे 17 जुलाई तक घोषित किए जाएंगे। हालांकि पहले 15 जुलाई तक नतीजे आने की उम्मीद की जा रही थी। UGC अध्यक्ष जगदीश कुमार ने बृहस्पतिवार को बताया कि इसके नतीजे आने के बाद देश भर की 200 से अधिक यूनिवर्सिटी में स्नातक प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक में प्रवेश की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। यहाँ पर देखिए बताया गया कि 24 घंटे में 1313 अभ्यर्थियों ने कराया पंजीकरण। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संगठक महाविद्यालयों में CUET UG 2023 के माध्यम से 24 घंटे में 1313 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने बुधवार शाम से पंजीकरण शुरू किया था। 538 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन शुल्क भी जमा कर दिया है। किसी भी समस्या के लिए यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, इस हेल्पलाइन नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं या ईमेल आईडी पर भी शिकायत अपनी भेज सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 28 जुलाई तक होंगे। सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निर्धारित अर्हता से संबंधित दिशा निर्देश इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। इसके साथ ही लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में अपडेट है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध कई कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवेदन का आखिरी मौका शनिवार को रहेगा। कालीचरण APCN खुनखुन जी महिला विद्यालय, विद्यांत हिंदू DAV NSCB और नगर निगम डिग्री कॉलेज में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में आवेदन का अंतिम मौका 15 जुलाई तक रहेगा। कॉलेजों में उनकी वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों का आवेदन से पहले LU की वेबसाइट पर जाकर के LURN पंजीकरण करवाना होगा। उसके बाद उसके लिए 100 रुपये अलग से देना होगा। जो भी अभ्यर्थी एडमिशन लेना चाहते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय संबद्ध कॉलेजों में वहाँ पर आप लोग देख लीजिए, कुछ कॉलेजों में अंतिम मौका कल तक ही है।
यहाँ पर देखो अपडेट है कि सत्यापन न होने से अटका नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में फरवरी में नियुक्ति पाया सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ताओं को कुछ जिलों में मार्च से वेतन नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश भर में फरवरी में नियुक्ति पाए शिक्षकों का सत्यापन 30 जून तक करने के निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा नियुक्ति मिलने के तुरंत बाद होली पर्व पर प्रमाण पत्र वेतन को लेकर के वेतन निर्गत कर दिया गया था, लेकिन झांसी और रामपुर जिले में नियुक्त पाए शिक्षकों को होली के बाद से अब तक इसलिए वेतन नहीं दिया गया क्योंकि अधिकारियों ने जो है पद सत्यापन नहीं किया। तो एलटीगेट प्रवक्ता के कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो नवनियुक्त थे, फरवरी में इनकी नियुक्ति हुई थी लेकिन वेतन इनको अब तक नहीं मिल रहा है। यूपी टीजीटी काउंसलिंग की यहाँ पर अपडेट है कि अंग्रेजी और गणित में 24 शिक्षकों का विद्यालय आवंटित है। टीजीटी 2016 के अधिक पदों पर भर्ती की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग करा करके विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया शिक्षा निदेशालय में चल रही है। गुरुवार को अंग्रेजी और गणित विषय के 191 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसके सापेक्ष में मात्र 24 अभ्यर्थी यहाँ पर उपस्थित हुए। देख सकते हैं 191 में मात्र 24 अभ्यर्थी ही यहाँ पर पहुँचे थे, 167 अभ्यर्थी यहाँ पर अनुपस्थित पाए गए। तो फिलहाल इसकी जो काउंसलिंग है 10 जुलाई से चल रही और 14 जुलाई आज यहाँ पर काउंसलिंग की जो है लास्ट डेट है, आज अंतिम दिन काउंसलिंग होगी यहाँ पर। इसमें देखिए बताया गया अलग अलग विषयों को मिलाकर के 719 रिक्त पदों के सापेक्ष में काउंसलिंग के लिए 2275 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक 2 प्रमोद कुमार के अनुसार गुरुवार को अंग्रेजी विषय के सत्यापित 221 रिक्त पदों के सापेक्ष 110 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, मगर 12 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, 98 अनुपस्थित रहे। इसी तरह गणित के सत्यापित 59 रिक्त पदों के सापेक्ष में प्रतीक्षा सूची से 81 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें जो है 12 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई। तो अंग्रेजी गणित में कुल मिलाकर 24 ने ही काउंसलिंग यहाँ पर करवाई है। आपको बता दें कि 2021 भर्ती की काउंसलिंग जो है 17 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। कल 13 जुलाई को 2021 की कट ऑफ जारी होनी थी लेकिन कुछ कारणों से कट ऑफ जारी नहीं हो पाई, उम्मीद है कि ये कट ऑफ आज जारी होगी। वहीं पर आपको बता दें 2016 भर्ती के अंतर्गत विज्ञान और जीव विज्ञान विषयों की जो काउंसलिंग है वो आज करवाई जाएगी और आज से 2016 की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि नौकरियों में भेदभाव सबसे बड़ा पाप योगी जी। मुख्यमंत्री ने समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारियों और कनिष्ठ सहायकों को दिए नियुक्ति पत्र। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार में प्रदेश के छोटे छोटे गांव और कस्बों के अभ्यर्थियों को सरकारी सेवाओं में नौकरियाँ मिल रही हैं, लेकिन 6 वर्ष पहले यह अकल्पनीय था। तब सरकारी नौकरियों और सरकार की योजनाओं में नागरिकों के साथ भेदभाव होता था। उन्होंने कहा कि कोई सरकार शासन की योजनाओं और शासकीय सेवाओं में अपने नागरिकों के साथ भेदभाव करे, ये सबसे बड़ा पाप है। तो कल उन्होंने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में ये सारी बातें कही। लेखपाल भर्ती के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा की OMR सीट देने पर निर्णय ले आयोग। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधीन सेवा चयन आयोग के लेखपाल भर्ती परीक्षा में OBC वर्ग के परीक्षार्थियों को OMR सीट की मांग वाले प्रत्यावेदन पर 2 महीने में निर्णय लेने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलील कुमार राय ने याची भूप्रकाश की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। तो यहाँ पर लेखपाल पद पर चयन न होने पर दायर याचिका पर हाईकोर्ट का यह आदेश आया है। यहाँ पर बात कर लेते हैं एक वैकेंसी के बारे में। तो देखिए केंद्रीय विद्यालय वाराणसी से वैकेंसी की अपडेट है, जिसमें बाल वाटिका टीचर्स के लिए यहाँ पर जो है आवेदन लिए जा रहे हैं। तो बताया गया कि समुदाय के आधार पर भर्ती होनी है ये, और इसका इंटरव्यू 15 जुलाई को 8 बजे किया जाना है। तो जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हैं वो इसकी वेबसाइट पर जा करके यहाँ से अनाउंसमेंट सेक्शन से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके बाद समस्त डॉक्यूमेंट्स को लेते हुए फॉर्म को भरते हुए आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर जा सकते हैं 15 जुलाई को, यानी कल 8 बजे यहीं पर आपका जो है इंटरव्यू करवा दिया जाएगा, और यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपकी जॉब लग जाएगी। यहाँ पर देखो अपडेट है कि 28 डीएलएड संस्थानों ने सरेंडर कर दी मान्यता। डीएलएड का क्रेज काफ़ी ख़त्म हो गया, ऐसे में जो है छात्र इंटरेस्टेड नहीं एडमिशन लेने के लिए, जो संस्थान है उनकी सीटें खाली जा रही हैं। ऐसे में देखिए बताया गया कि 28 डीएलएड संस्थानों ने अपनी मान्यता ही वापस लौटा दी है। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट है, बिहार शिक्षक भर्तियों में लाठीचार्ज मामले को लेकर कल इसकी अपडेट आई थी। तो यहाँ पर भाजपा के एक कार्यकर्ता की एक नेता की मौत हो गई, जिस पर आज स्पष्टीकरण आया हुआ है। यहाँ पर देखिए बताया गया है, पुलिस की तरफ से बयान दिया गया है कि जो ये मौत हुई है
उन्होंने कहा कि इनके शरीर पर एक भी निशान नहीं है और भगदड़ में ही अचेत हो गए थे, ठीक है। और इसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहाँ पर उनकी मौत हो गई। तो यहाँ पर देखिए साफ तौर पर इनका कहना है, जो यहाँ पर देखिए डीएम है, डीएम पटना डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, इनका कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग तोड़ी, उन्हें नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। विजय सिंह के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं पाया गया है, मेडिकल बोर्ड गठित कर पोस्टमार्टम कराया गया है, पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई गई है, सीसीटीवी फुटेज से भी पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं पर जो एसएसपी पटना के, उनका कहना है कि आयोजकों को विधानसभा मार्च की अनुमति नहीं दी गई थी, प्रदर्शनकारियों ने डाक बंगले चौराहे पर पुलिसकर्मियों पर मिर्ची पाउडर झोंकने के साथ ही पथराव भी किया। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया। भाजपा कार्यकर्ता की मौत लाठीचार्ज होने की बात सरासर गलत है। विजय कुमार सिंह की मौत अन्य कारणों से हुई है। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि इनके शरीर पर कोई भी लाठीचार्ज का निशान नहीं है और लाठीचार्ज से पहले ही अचेत हो गए थे और इसके बाद इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ पर इनकी डेथ हो गई है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएँ। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।